लातेहार के चंदवा में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। मैक्रूस्कीगंज सीमा से सटे चट्टी नदी ब्रिज नंबर 133 में रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंपनी की साइट पर नक्सलियों ने हमला बोला और एक पोकलेन, एक हाईवा, एक क्रेटा और एक जनरेटर फूंक दिया। इस दौरान मजदूरों से भी मारपीट की और मोबाइल छीन गया। घटना को करीब 15 की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने अंजाम दिया। वारदात के बाद सभी चंदवा की तरफ भाग निकले। घटना के पीछे माओवादी सब जोनल कमांडर रविंद्र गंझू का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बरकाकाना गढ़वा रोड सेक्शन पर तीसरी लाइन बिछाई जा रही है। यह काम KEC कंपनी के तहत VVV कंपनी कर रही है। हमले के दौरान नक्सलियों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग भी की। इसके बाद वाहन और जनरेटर को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर कंपनी के अधिकारी पहुंचे और मजदूरों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बताया जाता है कि निर्माण स्थल पर कुछ मशीनें खराब हो गई थी, उसकी रिपेयरिंग करने कार से कुछ मिस्त्री आए। नक्सलियों ने इस कार को भी आग के हवाले कर दिया। लातेहार में लातेहार के मैक्रूस्कीगंज चंदवा सीमा पर नक्सलियों का उपद्रव देखने को मिला। रेल निर्माण स्थल पर मजदूरों से मारपीट कर तीन वाहन और जनरेटर को आग के हवाले कर दिया। 15 की संख्या में आए थे हथियारबंद माओवादी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।